है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर से भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की बिहार के उपरांत कई लोगों को लग रहा था दो तीन रास्ते हैं, अब कौन से रास्ते से गाड़ी मुड़ जाती है। अब सोचने लगे थे इंदौर वाले, अरे दिशा बदलती से लग रही है, अभी बदलती तो नहीं है लेकिन पावन क्षेत्र सिद्धवरकोट मिल रहा है। और एक बार 20-25 वर्ष पूर्व में सिद्धवरकोट को संघ का जाना हुआ था, हाँ 95 में, हाँ तो आज यह पुनः अवसर मिलने जैसा है। फिर भी एक इंदौर निवासी ने, बॉम्बे की प्रवासी है, हमने कहा रास्ता मिल रहा है, हमने जो कहा है वो तो पक्का है, ऐसे कहते हो तो पक्का क्या है, ये थोड़ा सा और विचार विमर्श तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इंदौर वालों ने जो योजना बनाई है वो धीरे धीरे ये लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। ये जो इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं ताकि वहाँ लगभग 8-9 तो शिखर इस ढंग से लगभग बनने वाले हैं, उसमें एक तैयार हो रहे हैं, मंगलाचरण हो ही जाएगा समझ लो, लेकिन फिर भी इंदौर वालों को और सोचना है, जल्दी कर तभी होगा ये, जबकि योजना बहुत लंबी चौड़ी है। और भारतवर्ष में मध्य प्रदेश में तो नगरों में प्रसिद्ध नगरी है इंदौर, नहीं उस सब पीछे से मैं नहीं कह रहा हूँ, महावीर भगवान की और अहिंसा की बहुत दिनों से वह नगरी एक प्रकार से अहिंसा की घोषणा करती रही है, उसमें ऐतिहासिक कार्य करने के लिए सारी जनता लालायित है। देखो कोई भी कार्य होता है तो कुछ विशेष रूप से पुण्य का अर्जन होता है, अभी उस नगर के लिए और पुण्य की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह इसी प्रकार की रचना इन लोगों ने संकल्प में लिया है, किंतु हमारे लिए हो जाएगा ऐसा ऐसा नहीं कहो, वैसे तो समृद्ध है ही इंदौर, किंतु फिर भी उसको अपने आराध्य मान करके ही अपनी सेवा उसमें समर्पित करना है, ज़्यादा नहीं कह करके शेष जो कोई भी है दानदाता वह अपने अपने आलस को थोड़ा सा छोड़ करके हाँ तो उसी कमर का कसना तो है ही, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की।